हेलो सलामकुम। सलामकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी कौन साहब? जी आपको खान साहब, हम मोहम्मद आसिफ बोल रहे हैं इलाहाबाद। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। आसिफ भाई बताइए। जी आपसे एक सवाल करना था। भाई सवाल जवाब के लिए मैं आपको आलिमों की टीम का नंबर दे दूंगा। हाँ आप उनसे मतलब सवाल कर लीजिएगा। बाकी कोई हनफियत के ताल्लुक से बात करनी है तो बताइए। नहीं नहीं नहीं, असल में मतलब क्या है कि एक गैर मुस्लिम का सवाल है। उसने ये कहा कि जैसे हम लोग ईसाइयों को कहते हैं कि आप मतलब दिखाओ कि ईसा अलैहि सलाम ने कहा बाइबल में कहा कि मैं खुदा हूँ मुझको पूजो, तो वैसे ही उन लोग कहते हैं कि कहाँ पे अल्लाह ताला ने ये डायरेक्ट कहा, मतलब कि वो ये कहते हैं कि तुम कहते हो कि जिब्रील अलैहि सलाम के जरिए आई, तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहाँ डायरेक्ट कहा कि मैं खुदा हूँ मुझको पूजो, वो ऐसा सवाल करते हैं। जैसे मतलब कि ये यूट्यूब पे एक है फ्रांसिस नाम का एक आदमी है। कौन सा आदमी है? फ्रांसिस नाम का एक। अच्छा हाँ, ये बॉम्बे का ही है, इंडिया का। तो उसने ये सवाल किया है। ये सब जो भाई होते हैं ना, इनको कुछ आता जाता तो है नहीं, ठीक है, कुरान कभी उठा के पढ़ते तो है नहीं, तो अब यही उल्टे सीधे मतलब भाई ये मंतकी सवाल करने लगते हैं। देखिए ईसा अलैहि सलाम को जो ये जो ईसाई हैं, ईसाई लोग मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ठीक है, और वो मतलब भाई वो खुद एक अल्लाह है, ठीक। तो हम लोग भाई उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई पूरी बाइबल में मतलब भाई कोई एक कोई आयत हो वर्ष हो, भाई आप हमको दिखा दीजिए जिसमें ईसा अलैहि सलाम ने कहा हो कि मैं मतलब अल्लाह हूँ गॉड हूँ और आप लोग हमको मानो पूजो, ठीक। तो ये उनसे सवाल हम लोग करते हैं। अब वो पलट के अगर हम लोग से पूछेंगे कि नहीं आपके अल्लाह ने मतलब ये कब कहा कि मैं अल्लाह हूँ मेरे को पूजो, तो मेरे भाई अगर वो चैप्टर एक, ठीक है, मतलब जो ये सूरह एक है अल फातिया, उसको अगर पढ़ेंगे तो उसमें खुद अल्लाह ताला ने भाई ये कह दिया है कि या कनाब्दु व या कनस्ताइन, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, ठीक है। तो जो ये देखिए कुरान जो है ना, अब अल्लाह ताला तो आएगा नहीं जमीन पे देने के लिए, क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अल्लाह ताला इतना बड़ा है कि उसको जमीन पे आना नहीं है कि हाँ अल्लाह ताला मतलब ये छोटी सी मतलब दुनिया में आएगा और आके कह देगा हाँ ये है और अपनी बात बोल के अपना आसमानों के ऊपर चला जाएगा। नहीं, अल्लाह सुबहान व तआला के भाई बहुत फरिश्ते हैं, तो अल्लाह सुबहान व तआला जो अपना कलाम है वो मतलब जो अल्लाह के जो भाई वो मतलब होता नहीं है सर्वेंट स्टाफ, अपने स्टाफ को भाई वो देता है ना। अल्लाह ताला तो भाई वो तमाम जहां का मालिक है, वो खुद अपना काम थोड़ी ना करेगा। अल्लाह ताला तो कहते हैं कुन फयकून, बस वो हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते के मतलब भाई को जरिए, ठीक है, जो अल्लाह के नबी थे उन तक अपना जो कलाम था वो पहुंचा दिया कि ए नबी आप कह दीजिए कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ और अल्लाह से ही मदद मांगता हूँ, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, ठीक है, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं तुझसे ही कायम मांगते हैं मदद। तो जो बेसिक है ना वो मतलब यही है कि अल्लाह का मकसद ही यही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इंसानों को जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी कि अल्लाह की इबादत। तो अब हमें ये कोई अगर पूछेगा नहीं अल्लाह ने कहा कि हमारी इबादत करो, तो मेरे मतलब एक आयत नहीं है, मेरे भाई काफी सारी आयतें हैं, लेकिन उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा ना। अब ये लोग पढ़ते हैं नहीं, पका पकाया इनको चाहिए रहता है, भाई इनको पका पका के दे दो। मतलब कि उनके जो कहने का मतलब था वो ये था कि जैसे कि सूरह बकरा की आखिरी जो दो आयत है वो डायरेक्ट रेवलेशन है, फिलहाल ये बात भी उनको पता नहीं है, वो समझते जो पूरी कुरान है वो एक ही मतलब एक ही पैटर्न में वही हुई है। उस तरीके कह रहे मतलब कि वो चाहते हैं कि उस तरीके की कोई आयत हो, मतलब कि डायरेक्ट जिसमें फरिश्ते का इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी जैसे मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ताला ने डायरेक्ट बोला वैसा कुछ। देखिए सूरह बकरा की जो आखिरी की दो आयतें हैं, ठीक है, आयत नंबर 285 और 286, ठीक, तो ये अल्लाह के नबी को मेराज की रात में अल्लाह सुबहान व तआला ने ये तोहफा दिया था, गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट होता नहीं है तोहफा, तो ये तोहफा दिया था अल्लाह के नबी को, मतलब भाई वो 5 टाइम की नमाजें,
और सूर्य बकरा की दो आयतें ये अल्लाह ताला ने आसमानों के ऊपर दिया था मिराज में। तो मतलब इसका मतलब भाई ऐसा नहीं है कि आसमान पे देंगे तो वो अल्लाह का कलाम है, और अगर मेरे भाई वो आसमान से अगर मतलब कोई अल्लाह सुबहान तआला का फरिश्ता अगर आयतों को लेके आएगा तो मतलब वो अपने अल्फाज डाल देगा, ऐसा तो नहीं भाई। जो फरिश्ते होते हैं वो अल्लाह सुबहान तआला के भाई वो ताबे होते हैं ना, जितना अल्लाह सुबहान तआला उनको हुक्म देता है उतना ही करते हैं। तो ये सब होते हैं मंतकी सवाल, ठीक है। अब ये लोग कुरान पढ़े हैं इनके उसके बाद समझ में आएगा ना। हम तो कह रहे हैं ना एक कुरान की आयत भाई ऐसी हमको दिखा दें जिसमें मेरे भाई ओरिजिनल अलग हो और आज के टाइम पे अलग हो गया हो, मिक्स हो गया हो। अल्लाह ताला का ये चैलेंज है कि ये जो कुरान है ना इसमें कोई भी उंगली अपनी भाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो ये अल्लाह का कलाम है इसकी जो सेफ्टी है वो खुद अल्लाह सुबहान तआला कर रहा है। तो ये तो अल्लाह का चैलेंज है कि अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो इस मतलब जो ये कलाम है इसके जैसा कोई एक कोई मतलब भाई वो बना दो सूरा, अगर सूरा ना हो सके तो कम से कम एक आयत बना दो। तो अगर कोई मतलब भाई इसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई ये मतलब जैसा अल्लाह का कलाम है वैसी कोई आयत एक बना के दिखा दे। काफी लोगों ने कोशिश की अनहमदुम दिन फन पता नहीं क्या क्या बना के रख दिया, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की जैसी एक भी आयत भी नहीं बना पाए, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम के जैसा इस दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता, इंसान का दिमाग सोच ही नहीं सकता है। तो यो अब वो पता नहीं क्या वो पूछना चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा होगा मतलब वो एक्चुअल में कंफ्यूज कर रहा है कि नहीं देखो मूसा अलैहि सलाम से तो डायरेक्ट अल्लाह ताला बात करते थे, ठीक है। तो चलो ठीक है मूसा अलैहि सलाम की बात को चलो मान सकते हैं क्योंकि मतलब भाई वो डायरेक्ट अल्लाह बात कर रहे थे, लेकिन जो ये आपके जो ये आखिरी पैगंबर हैं जिनको आप लोग मोहम्मद कहते हो मतलब उनसे तो अल्लाह की बात ही नहीं हुई डायरेक्ट, वो तो मतलब भाई वो आता था फरिश्ता आता था, तो फरिश्ता हो सकता है उसने कुछ धोखा दे दिया हो, ठीक है। और जो अल्लाह का कलाम हो वो अल्लाह ताला ने मतलब भाई कुछ और कहा हो, फरिश्ते ने कुछ और बता दिया हो, तो हम कैसे मान लें कुरान आपका सही है। तो देखो जिसको नहीं मानना होगा वो नहीं मानेगा, वो कील काल करता रहेगा। हाँ तो अब क्या है भाई, देखिए अगर कुरान मेरे भाई अगर वाकई भाई वो गलत है तो उसकी एक आयत को साबित कर दें कि हाँ ये जो आज का जो साइंस है उसके भाई ये खिलाफ है, चलो मान लेते हैं क्या फरिश्ते ने भाई अपनी अकल से कह दिया होगा, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कुरान की भाई जो आयतें हैं आज की जो साइंस है उलट उसके नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि कई साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कुरान की आयतों की मतलब भाई एक लाइन पढ़ के उससे उनका मतलब भाई वो जहन खुला तो उन्होंने तहकीक की और अल्हम्दुलिल्लाह कितने कारनामे अंजाम दे दिए, ठीक है। तो कुरान जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह सुबहान तआला का ही कलाम है और ये अल्लाह की सुन्नत है कि वो अपने नबी तक भाई अपने भाई वो मतलब जो उसके स्टाफ में होते हैं, ठीक है, सर्वेंट होते हैं जैसे फरिश्ते को भेज दिया, या मतलब भाई जो ख्वाब में अल्लाह के नबी को दे दिया वही, या मतलब भाई डायरेक्ट आसमान पे दे दी आयते, ठीक है। तो ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है। मेन मुद्दा तो देखिए कुरान कोई इकट्ठा कोई किताब के साथ तो आसमान से आया नहीं, ठीक है। कुरान जो है वो मतलब भाई कॉन्टेक्स्ट के साथ भाई वो नाजिल हुआ, ठीक है। ये मतलब जो कुरान है वो पूरा कंप्लीट जो हुआ है ना वो एक साथ इकट्ठा ही एक रात में नहीं आ गया, एक एक आयते एक एक सूरा ये मतलब भाई ये नाजिल मतलब भाई ये मतलब स्टेप बाय स्टेप जो कंडीशन थी उसके हिसाब से नाजिल होता था और ये पूरा कंप्लीट हुआ है भाई ये 23 सालों में। तो 23 सालों में पूरा भाई मतलब ये नाजिल हुआ है अलग अलग मौके पे कि कब क्या करना है, ठीक है। मतलब भाई मानिए कोई सहाबी आए उन्होंने कोई सवाल पूछा, अल्लाह के नबी खामोशी इख्तियार कर रहते थे, ठीक है, वही का इंतजार करते थे। जैसे सहाबी ने सवाल पूछा वही आई, अल्लाह के नबी ने उनको बता दिया, ठीक है। पर्दे की आयतें आई कि ए नबी आप कह दीजिए अपनी औरतों से अपनी बीवियों से मोमिन औरतों से कि अपने आप को जब बाहर जाए तो ढाक लें। तो ये हर मौके पे आयतें उतरी, अल्लाह के नबी से मतलब जो आपकी बीवियां थी उन्होंने कहा कि लाओ अल्लाह के नबी भाई वो खाते हैं क्या बोलते हैं वो जो होता है वो क्या बोलते हैं हनी होता है शहद, हाँ। तो अल्लाह के नबी जब उसको खाते हैं तो सारी बीवियां मतलब कहती है आपके मुंह से तो मतलब बास आ रही है, आपके मुंह से तो मतलब वो अजीब सी बदबू आ रही है। तो अल्लाह के नबी कहते हैं ठीक है आज के बाद मैं शहद में खाऊंगा नहीं,
फौरन भाई वो आयत भाई वो अल्लाह ताला आसमान से नाजिल करता है कि ए नबी, मतलब जिस चीज को हमने मतलब भाई वो कर दिया है ठीक है हलाल, तो आप कौन होते हैं उसका इनकार करने वाले। ठीक, तो ये मौके मौके मतलब हर मौके पर आयते भाई वो नाजिल हुई, जमीन जमाना माजरा माहौल के एतबार से। ये कोई मतलब कोई किताब नहीं है कि बस एक साथ आसमान से किताब बस टपक गई और जाके अल्लाह के नबी ने उठा लिया और उसको मतलब भाई वो मतलब पढ़ पढ़ के लोगों को मतलब भाई समझाना स्टार्ट कर दिया। ये आसमानी कलाम है, ठीक है। आसमानी कलाम जो होता है ना वो मौके पे नाजिल होता है कि कब इंसान क्या चीज मतलब भाई समझ पाएगा, उस मौके पे नाजिल होती है ऐसे। जी, मेरा दो सवाल और है, एक हनफियत से मुतालिक है और एक गैर मुस्लिमों से मुतालिक है, दो और है। बताइए। जी, एक हनफियत से मुतालिक है कि हमारी एक एक हमारे भाई हैं, उनसे हमारी थोड़ी बहस हुई उस पे, फजाइल अमाल पे। उन्होंने कहा फजाइल में हदीसें ले ली जाती, तो हमने कहा कि इमाम मुस्लिम के मुकदमे में ऐसा लिखा हुआ है कि वो उलमा जाहिल कहलाने के लायक हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि सहाबा से जो भी फजाइल मिले ले लिए जाते हैं। उन्होंने फिर एक आगे से एक हदीस बोली और उसका हवाला नहीं दिया, तो ये हम कंफर्म करना चाहते हैं कि ऐसी कोई हदीस है। उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा जो हैं वो सितारों के मानेंगे। मेरे नबी मतलब भाई वो जो मेरे सहाबा हैं वो क्या है, सितारों सितारों के मानेंगे। हाँ के मानिंद है, मतलब किसी एक की भी इत्तबा कर लो तो फला पा जाओगे। हाँ 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 ये हदीस भाई ये उलमाए मुहद्दिसीन की नजदीक भाई ये जो हदीस है ज़ईफ है। वैसे इसका हवाला क्या है, किस किताब से आएगी? इसका हवाला भाई देखना पड़ेगा, लेकिन ये हदीस असल में मतलब है तो हमने मतलब ये मतलब जो हमारे तबलीगी भाई हैं उनके मुंह से हमने सुनी है। तो वो लोग मस्जिदों में बोलते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मेरे सहाबा हैं भाई वो मानिंद हैं सितारों के, किसी एक की भी इत्तबा कर लो तो कामयाब हो जाओगे फला पा जाओगे। तो हमने कालिम दीन से पूछा था तो उन्होंने पूरा बताया था समझाया था हमको कि जो ये हदीस है मतलब ये ज़ईफ है, जी और मान भी लिया जाए कि सहाबा जो है मेरे भाई वो क्या है भाई, वो एक स्टार है ठीक है, सितारे हैं। तो हमारे अल्लाह के नबी तो चांद है मून है, तो हम तमाम मेरे भाई जो तारे हैं उनके चक्कर में काहे के लिए पड़े, हम डायरेक्ट भाई जो चांद है उसके पीछे पड़े ना जी भाई। जो अल्लाह के नबी है भाई, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि नबी जो तुमको दे उसको ले लो जिससे रोके रुक जाओ, तो नबी जो हमको दे रहा हम उसको लेंगे ना। जी हाँ, ये सब बातें सही है कि भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया अम्मा आना अलैहि व असहाबिय, ठीक, यानी कि आज के दिन ठीक है वो मतलब जो भी दीन है उसके ऊपर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं उसके ऊपर अमल करना। और दूसरी हदीस में मतलब भाई इस टाइप से आता है कि अलैकुम भी सुन्नति व सुन्नति खुल्फाए राशिदीन, ठीक। तो ये सब जो बातें हैं सही है, लेकिन ये मेरे सहाबा भाई वो तारों के मानिंद हैं, एक की भी इत्तबा कर लोगे तो फला पा जाओगे, ये जो हदीस है भाई ये बिल्कुल ज़ईफ है। जी। और ये एक ये आपने यूट्यूब पे देखा होगा, एक ये राहुल आर्य नाम का एक आदमी है, उसने एक बार एक वाकया बताया था। कहा था कि इस्लाम से पहले लोग ऊँटों के पीछे वो एक दूसरे से जंग करते थे, और कहते और उसने साथ साथ ये भी कहा कि इन लोग जो होते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए खून पी जाते थे ऊँटों का। और फिर आगे से इसने एक और इल्जाम लगाया नाउज बिल्ला नबी अली सलाम पे, ये कहा कि वो कब्रें खोद के मुर्दों के खून पीते थे, और फिर हजरत खदीजा की भी कब्र खोद के उनके भी खून पीते भाई शुरुआत की जो दो उसने बातें बोली वो तो चलो भाई ठीक है, लेकिन उसको जिस अंदाज से इसने बोला है वो तो बिल्कुल गलत है, और जो तीसरी बात उसने बोली है वो तो बिल्कुल ही मतलब झूठ है ठीक है, उसका कोई मेरे भाई ना सनद है ना पैर है। पहली जो उसने बात बोली कि मतलब भाई जो इस्लाम था, इस्लाम के आने से पहले जो अरब के लोग थे वो मतलब जो ऊँट थे ऊँट के पीछे एक दूसरे से मतलब भाई हाथापाई और मारपीट और कहासुनी कर लेते थे, तो ये तो बात एकदम ठीक है ठीक है। इस्लाम आने से पहले मतलब भाई क्या होता था, देखिए अरब के जो लोग थे ना वो लोग थे उम्मी यानी कि जाहिल अनपढ़ बिल्कुल, मतलब वो छोटी छोटी बातों पे यहाँ तुम्हारी बकरी है वो हमारे एरिया में कैसे आ गई, तुम्हारा जो ऊँट है हमारे एरिया में कैसे आ गया, तो सब लोग मतलब भाई अलग अलग उनका होता था, वो कबीला होता था उसके जो होते थे मतलब वो कौन इमाम जो उसके होते थे सरदार,
वो आपसी में मतलब भाई वो एक दूसरे से एकदम भाई वो तनातनी जैसे होता नहीं है पिक्चरों में कि ये भैया ये हमारे भाई का एरिया है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, वो उसके भाई का एरिया है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। तो ये पहले मेरे भाई अरब में ऐसा ही होता था, ठीक है। तो अलग अलग कबीले थे, तो जानवरों के लिए, ऊँटों के लिए, बकरी के लिए, ठीक है, तो उसके लिए होती थी आपस में कबीलों में। तो ये बात ठीक है, और ये भी सही है कि इस्लाम आने से पहले, इस्लाम आने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह सब एक हो गए, ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे तो भाई इस्लाम की जो अच्छाई है वो जो ये है आर्या जी हैं, राहुल आर्या जी, इन्होंने साबित कर दिया, ठीक है। और दूसरा जो बोला कि ये अरब के जो लोग थे वो जो ऊंट होता था उसका खून पी जाते थे, ये बहुत बड़ा मेरे भाई झूठ है, ठीक है। ये अल्लाह के नबी के पास मतलब भाई वो कुछ लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी हमें पेट की मतलब हो गई है, मतलब वो कुछ हो गया, मर्ज हो गया है। वो तो क्या हाँ, वाली बात, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम ये ऊँटों का मतलब जो बाड़ा है वहां पे जाओ और वहां पे रहो, और ऊँट का जो दूध है और ऊँट का जो पेशाब है उसको एक साथ अपना घोल के पियो, मिला के पियो। तो वो लोग ऐसे ही करने लगे और एकदम हट्टे कट्टे हो गए, मोटे ताजे हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊँटों की बेड़ों में जो मतलब वहां के देखरेख करने वाले थे उनको मार दिया, और जो ऊँट थे उसको जो मतलब उसको लेके भाग गए। तो फिर अल्लाह के नबी ने उनको मतलब भाई वो ढूंढवाया, तो वो जब भाई पकड़े गए तो उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये मामला है, ऊँट का दूध और ऊँट का पेशाब, ठीक है, बराबर मात्रा में पीने से। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो साइंस है, आज उसके ऊपर तहकीक चल रही है, बाद जो मतलब जैसे कैंसर होते हैं उनकी जो मतलब जो आजकल बन रही है दवा, वो ऊँट के पेशाब और दूध से ही जो मतलब जो साइंसदान है, ठीक है, तो वो अपना वही सब कुछ मतलब वो तहकीक कर रहे हैं, ठीक है, सर्च वर्च कर रहे हैं। अब दूसरा मैटर ये है कि मतलब भाई ऊँट का खून पी लेते थे, तो ये खून से मेरे भाई कोई की प्यास ही नहीं बुझती है। पहले क्या होता था, रेगिस्तान में जब जाते थे सफर करने, तो क्या होता था, जो सहाबा थे मान लो कहीं ऐसी जगह मान लो अटक जाते थे कि जहां ना खाना होता था ना पानी होता था, वहां पे इंसानियत का जीना मुश्किल था। तो अब वो क्या करते थे, जो ऊँट होता है, ऊँट असल में ये लोग जो है ना गधे हैं, आप समझ रहे, जो ये राहुल आर्या है गधा है, इसको मालूम नहीं है जानवरों के बारे में भी। ऊँट जो होता है, ऊँट मतलब जो पानी होता है उसको इतना पी लेता है कि उसके पानी उसका जो वो होता है नहीं कुबड़, उसमें स्टोर हो जाता है, जी ठीक है। तो पानी मतलब भाई उसमें स्टोर हो जाता है। तो अब भाई जो मतलब जो अरब के लोग थे जब वो जाते थे सफर करते थे, ठीक है, वहां ना मतलब दूर दूर तक पानी होता था ना खाना होता था, तो वो लोग क्या करते थे, ऊँट को भाई वो लोग काट देते थे, ठीक है, ज़िबा करते थे, और उनमें जो पानी होता था उसको उस पानी को भाई पीते थे और अपनी जान मतलब जो अपनी जान थी उसको बचाते थे, और उन जो भाई ऊँट थे उसको खा लेते थे। तो इसमें कौन सा मतलब हो गया भाई, इसमें कोई आफत आ गई भाई। ये तो जो अरब थे उनकी ये मतलब खासियत थी। आज अगर कोई को भेज दिया जाए वो तो बेचारा उसका दिमाग ना काम करे, वो तो मेरे भाई जिंदा मर जाएगा। अगर किसी अभी राहुल आर्या है उसको भेज दिया जाए ऊंट के साथ, ठीक है, अकेले रेगिस्तान में, तो उसको उसको तो ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा, वो तो पागल हो जाएगा, वो तो अपना जो चप्पल जूता उसको खा जाएगा पेट भरने के लिए। क्योंकि भूख जब इंसान के लगती है ना, तो इंसान अपनी जान बचाने के लिए को जो घास होता है घास भी खा ले, जो पत्ते हैं पत्ते भी खा ले, कुछ ना मिले तो अपने कपड़े खा के पेट भर लेगा, क्योंकि जीना है ना उसको। लेकिन जो जो अरब के लोग थे वो बहुत मतलब भाई वो मतलब एकदम स्ट्रांग थे, ठीक है, बहादुर थे वो, हर कंडीशन में एकदम भाई वो मतलब एकदम मतलब वो आमतौर पर उसको बोले तो अच्छे से उसका सामना करते थे। तो जब अरब के लोग एक बार गए सफर में, तो मतलब जो उनके साथी थे, साथियों की एकदम हलक सूख रही थी और भूख के मारे बेहाल हो गए थे, और दूर दूर तक ना पानी था ना खाना था, तो उन्होंने मेरे भाई अपना मतलब जो माइंड था उसका इस्तेमाल किया, उन्होंने ऊँट को अल्लाह के नाम से काटा, ज़िबा किया, और उनमें जो पानी स्टोर होता है उस पानी को पी लिया, और जो उसका मांस था उसको खा लिया। फिर उनमें ताकत आ गई, जोश आ गई, उसके बाद भाई वो अपना आगे गए और उन्होंने अपना जो मतलब जो सफर था उसको भाई कंप्लीट किया। तो ये तो एक मतलब देखा जाए एक वो है अचीवमेंट है कि ऐसे लोग जो बेचारे जिनको लोग उम्मी बोलते थे, अनपढ़ बोलते थे,
जिनको कुछ आता नहीं था, ठीक, उनके पास कोई ना मेरे भाई सवारी ना मतलब कोई वो कोई बहुत बड़े हथियार ना बम कुछ नहीं, वो सिम भाई अपने ऊँटों के साथ भाई वो एक लंबा सफर उन्होंने भाई पार किया और बिना किसी खाने पीने के सामान के। तो ये तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अच्छाई थी, उसमें तो भाई हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। आज भी अमेरिका के लोग जब जाते हैं पहाड़ों के ऊपर ये वो, तो अपने बैग में मार पानी की बोतल और खाना पानी कैमरा सब कुछ लेके जाते हैं, उसके बावजूद उनकी हालत टाइट हो जाती है। अब सोचिए भाई आज से 1440 साल पहले, जब ना मतलब कैमरा था ना कुछ था ना पानी की बोतल थी ना मतलब भाई वो बिस्लेरी का पानी था, अब रेगिस्तान में पानी खत्म हो गया, ठीक है, धूप में गर्मी में शिद्दत में परेशान हो रहे हैं। अब भाई अपनी जान बचाने के लिए अगर भाई वो जानवर को काट के अगर उसके अंदर जो पानी स्टोर था ऊंट के अंदर अगर उसको पी लिया तो क्या हो गया? अब वो कहेंगे नहीं अपनी जान बचाने के लिए जानवर को मारा, यानी कि मतलब भाई वो एक मतलब जो जीव था उसकी हत्या कर दी। इस्लाम तो बड़ा ऐसा मजहब है कि बताओ जीव हत्या करता है। तो भाई ठीक है, इन्होंने अपना मेरे भाई पढ़ा नहीं है, ये जाके पढ़े हैं, ठीक है, जो मेरे भाई इनके जो मतलब जो भगवान होते हैं, ठीक है, उनका नाम है वो गॉड, क्या नाम है, शंकर जी, शंकर। तो जो ये मतलब जो ये होते हैं, ठीक है, तो वो अपने बेटे जो होते हैं, ठीक है, क्या नाम होता है, गणेश, वो उनको अंदर जाने से रोक देते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरी माँ पार्वती अंदर नहा रही है, तो वो कहते हैं तू कौन है? तो वो कहता है कि मैं उनका बेटा हूँ, मैं आपको अंदर मैं नहीं जाने दूंगा। तो शंकर जी के एकदम मतलब जोश आता है, वो भैया जो होते हैं गणेश जी एक एक मारते हैं, हाँ पूरे मेरे भाई जो गर्दन होती है उनकी दूर पहुंच जाती है। फिर जो मतलब भाई जो पार्वती जी आती हैं, वो आती हैं रोती है, कहती हैं ये तो मेरा पुत्र है और आपने इसको मार दिया ये वो। तो शंकर जी क्या करते हैं, एक मेरे भाई हाथी जा रहा होता है और अपने बेटे की जान को बचाने के लिए जिंदा करने के लिए वो एक जो हाथी होता है उसको मार के उसकी जो मुंडी होती है उसके अंदर डाल देते हैं। अब बात समझ में आई कि जान बचाने के लिए इंसान, ठीक है, जानवर को मार सकता है क्योंकि जानवर से ज्यादा भाई मतलब जो अहम है वो है इंसान। हालांकि ये जो वाकिया है ये साइंस के एकदम मतलब भाई खिलाफ है। आज दुनिया का मतलब बड़ा से बड़ा डॉक्टर से पूछ लो, ठीक है, साइंटिस्ट से पूछ लो कि किसी इंसान के मेरे भाई शरीर में, ठीक है, हाथी का धड़ वो कभी मेरे भाई काम ही नहीं करेगा। लेकिन तब भी चलो मान लिया, ठीक है, अब क्या करें, मान लेते कोई दिक्कत नहीं है। इनको समझाने के लिए कि भाई जब कोई अपने बेटे को बचाने के लिए हेलो फिर तो ये जो आर्य समाज वाले जो हैं इनका जो मुकदमा है वो थोड़ा अलग है। इन्होंने ये जो है इन चीजों में यकीन नहीं रखते हैं। भाई देखिए आर समाजी जो है ना, अब वो क्या है, देखिए आर समाजियों से हमने भी बात की है, वो भी मतलब काफी अच्छे भी उनमें लोग होते हैं। बाज लोग कहते हैं जो वेद है हम वेद को मानते हैं, जो हमारा वेद कहता है, जो आपकी आपकी मतलब जो कुरान है वो कहती है, उससे साबित होता है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसका ना कोई रूप है ना आकार है, ठीक है, आखिरी जो मतलब जो आएंगे पैगंबर आएंगे उनका नाम मोहम्मद है। तो जो लोग समझदार हैं वो लोग मानते हैं। ये राहुल आर्या हो गए और जो बाकी सब जो इनके जैसे आजकल मतलब बनाए हुए हैं चैनल, ये सब एक्चुअल में है ही नहीं आर्या, ठीक है, ये सब होते हैं मेरे भाई हिंदू मतलब भाई ये हिंदुत्व के नाम से आपस में मतलब भाई जो होता नहीं नफरत फैलाने का काम करते हैं। हाँ इनके ऊपर जो नेता लोग होते हैं उनका हाथ होता है तो तभी ये लोग ओपनली पब्लिक में बोल देते हैं कि हाँ मोहम्मद था वो तो मतलब ये था रंगीला था, ठीक है, रंगीला रसूल था माजल्ला, इस टाइप से ये लोग, पता है इनके पास जो मतलब जो सपोर्ट है ना वो जो कुछ मतलब जो नेकर मतलब जो ये जो मतलब जो लोग होते हैं नेता नगरी वाले उनका हाथ हो जाता है कि हाँ जाओ तुम इस्लाम को बदनाम करो। तो ये लोग भी धड़ल्ले से, अबे वरना किसी की हैसियत है कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से झूठा आरोप लगा दे, वो भी हमारे भाई हमारे अल्लाह के नबी के ऊपर,
कि माज अल्लाह वो तो रंगीले थे, ऐसे थे वैसे थे, अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या है? ये मेरे भाई जो सरकार है ना, सरकार की तरफ से कोई नेता है, ठीक है, जिनका इनके ऊपर मतलब एकदम भाई पूरा हाथ है, सपोर्ट है, और इनको बकायदा पैसा मिलता है जी कि आप जाइए खाली यूट्यूब पे, बस इधर इधर से बदनाम कीजिए। अब ये खुलेआम बोल देते हैं कि जो मतलब जो भी मुसलमान हैं वो तो सुअर हैं, वो तो कुत्ते हैं, वो तो आतंकवादी हैं। हम खाली मतलब हम किसको मानते हैं मुसलमान? हम मानते हैं अबुल कलाम आजाद को, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम को, लेकिन जो ये कसाब है, कसाब की जैसे इन लोगों को हम नहीं मानते। चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ हिंदुस्तान, छोड़ दो, क्या पाकिस्तान इनके बाप का है? जी भाई आप खुद सोचिए, अगर मेरे सामने अगर ये कहें पाकिस्तान चले जाओ, तो हम कह देंगे पाकिस्तान के तुम्हारे बाप का है भाई? इंडिया तो हमारे बाप का है भाई, हम बोल सकते हैं, हमारे आदम अलैहि सलाम भाई वो इंडिया में आए थे पहले, लेकिन पाकिस्तान के तुम्हारे बाप का है जो बार बार भेज देते हो पाकिस्तान, और बार बार कहते हो भाई वो ये थैंक्स भारत, थैंक्स भारत, तो भारत और ऊपर से तो भारत माता है, तो भाई देखिए भारत को अगर कोई माता कहता है ना, तो उससे बड़ा कोई मेरे भाई अनपढ़ आदमी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो मेरे भाई क्या है, वो है पुरलिंग, और जो माता है वो है भाई स्त्रीलिंग। तो जो मतलब जो पुरलिंग है उसको स्त्रीलिंग भाई कैसे कोई बोल सकता है? जी आप बस समझिएगा, भारत जो है भाई वो मेल है, माता जो है वो है फीमेल है, तो मेल को फीमेल यानी मतलब गोया कि ये उसको मतलब बीच वाला बनाना चाह रहे हैं। जी बस भाई सीधी बात है, मेरे से लॉजिक की भाई एकदम बात करो ना भाई, साइंटिफिक बात करो, ठीक है, जो मतलब जो भाई अगर मान लो हिंदी पढ़ते हो, हिंदी के तुमको कायदे मालूम है, उसूल मालूम है, उसके हिसाब से बात करो। भारत को माता कह ही नहीं सकते ना, भारत एक जमीन है, हम इस जमीन की इज्जत करते हैं, इसके ऊपर मेरे भाई 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, और मेरे भाई वक्त आने पे इस मेरे भाई धरती के लिए हम जान भी अपनी दे सकते हैं, लेकिन इस धरती को माँ बोल के इसके ऊपर अपने पैरों को हम नहीं रखेंगे, क्योंकि माँ को अपने पैरों के नीचे कोई नहीं रखता। उल्टा तो इस्लाम कहता है, इब्ने माजा की हदीस है, कि माँ के कदमों में जन्नत है, तो माँ अगर हम कहेंगे तो उसको अपने कदमों के नीचे रखेंगे, तो ये तो हमारे इस्लाम के खिलाफ है कि हम जो ये मतलब धरती है उसको माँ कहें या भारत को माँ कहें। नहीं, हम भारत की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आई लव माई इंडिया, बट इंडिया को गॉड हम नहीं बना सकते, इंडिया को अल्लाह नहीं बना सकते, इंडिया को बनाने वाला अल्लाह सुबहान तआला है, हम उसकी इबादत करते हैं और इंडिया में रहते हैं। तो ये सब मामला है। और जो लास्ट में इन्होंने बोला कि नहीं वो मोहम्मद ने माज अल्लाह अपनी बीवी जो थी खतीजा, उनकी जो कब्र थी उसको खोद के उनका खून पी लिया, ये मैं भाई राहुल आर्या को तो क्या, मैं तमाम आर्यों को चैलेंज कर रहा हूँ, किसी अहले सुन्नत की एक सही किताब से मेरे भाई इस चीज का हवाला दे दे, या नबी की कौन सी जीवनी में उसने पढ़ लिया, ठीक है, कौन सी मेरे भाई जीवनी ऐसी थी कि मतलब जिसमें ये वाकया उतरा हुआ है कि मोहम्मद ने अपनी बीवी खतीजा की कब्र को खोद के उसका खून पी लिया, मेरे को दिखा दे, मैं खुद उसका रद्द करूंगा इसके साथ मिलके, मेरे को दिखाए तो। अब वो कहीं का सर कहीं की टांग उसको जोड़ के, और कोई पंडित जी अगर मेरे भाई कुरान की वाकया करने आएंगे हम उसको थोड़ी ना मानेंगे, जो हमारे अहले सुन्नत के जो इमाम है विद्वान है उन्होंने जो बताया हम उसको मानेंगे, या कोई पंडित जी उठ के बता देंगे ये आयत में लिखा हुआ है काफिर को मारो यानी कि हिंदू को मारो, देखो मुसलमान तो आतंकवाद फैला रहा है कहता है हिंदू को मार दो, ये काफिर का जो अर्थ है ये हिंदू है, ये इन्होंने कहाँ से लिया? भाई बहुत सारे सवाल है ना, लेकिन क्या है ये लोग कभी मेरे भाई ना तो मतलब फोन पे बात करते हैं, ना कभी आमने सामने बात करते हैं, इनका काम ये कमरे के अंदर बैठ के 2-4 मिनट का अपना वीडियो बना दिया, इस्लाम के ऊपर भौंक लिए, अल्लाह के ऊपर भौंक लिए, अल्लाह के नबी के ऊपर भौंक लिए, भौंक के अपना वीडियो अपलोड कर देते हैं, और जो इनके अंधे भक्त हैं वो तो इस्लाम के पहले से हैं दुश्मन, बस काम खत्म हो जाता है। जी आपने कुरान में वो एक चीज पढ़ी है अस्हाबुर रस के बारे में? अस्हाबुर रस, हाँ भाई पढ़ी है। आप एक काम कीजिएगा मेरे भाई, अभी नमाज का टाइम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है,
हाँ तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज में अपना नाम भेज दीजिए, मैं आपको आलिम दीन का नंबर दे देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं कोई आलिम तो भाई हूँ नहीं, ठीक, हम भी एक मेरे भाई आप ही की तरह आम इंसान है, छोटे मोटे तालिबे इल्म है जो इधर इधर से भाई सीखते रहते हैं, आपको बता देते हैं। बाकी अगर मेरे भाई गहराई से आपको वाजे बात एकदम जानना है तो हम आलिम का आपको नंबर दे देते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। फैज भाई का नंबर मिल जाएगा? भाई फैज भाई का नंबर मैंने उनसे मतलब जब मांगा था तो उनसे वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं आपका नंबर मतलब कहीं मतलब मैं कोई को दूंगा नहीं, तो इसलिए मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। बस ये है फैज भाई का जो सेंटर है IRC, वहाँ पे आलिमों की टीम बैठती है, मैं उनका नंबर आपको दे देता हूँ, आप वहाँ रابطہ कर लीजिए IRC में। ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप अपना नंबर भेज दीजिए और नाम भेज दीजिए। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।